झुंझुनू जिले के गुड़ागोर्जी उपखंड के अभिनंदन मैरिज गार्डन में जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा, उदयपुर वाटी उपखंड अधिकारी रामसिंह राजावत सहित जिले के कई आला अधिकारी व जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। अवसर था क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा गुड़ागोर्जी थाना अधिकारी देवी सिंह शेखावत के उत्कृष्ट कार्यकाल को लेकर उनकी सेवानिवृत्ति का अभिनंदन समारोह एवं स्नेह मिलन का। गौरतलब है कि इंस्पेक्टर देवी सिंह शेखावत पुलिस विभाग में अपने 42 वर्ष के कार्यकाल के बाद सोमवार को सेवानिवृत्त हुए। अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली एवं कर्तव्य निष्ठा से क्षेत्र में पहचान बनाने वाले थाना अधिकारी देवी सिंह का पिछले 3-4 रोज से क्षेत्र में जगह जगह सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार देर शाम अभिनंदन मैरिज गार्डन गुड़ागोर्जी में ग्रामीणों द्वारा शेखावत का चुंदड़ी का साफा पहनाकर फूलमालाओं, गुलदस्तों, मोमेंटो एवं गिफ्ट देकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने कहा कि थाना अधिकारी देवी सिंह ने गुड़ागोर्जी क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यकाल के दौरान लोगों से जो मान सम्मान प्राप्त किया है वह पुलिस विभाग के लिए गर्व की बात है। ये सम्मान देवी सिंह का ही नहीं अपितु पूरी पुलिस फोर्स का सम्मान है। गुड़ागोर्जी SHO देवी सिंह जी का जो भव्य सम्मान हुआ है उससे निश्चित तौर पे उदयपुर वाटी विधानसभा में नहीं, झुंझुनू जिले में नहीं, अपूर्ति पूरे राजस्थान के अंदर ये मैसेज आएगा। अच्छे कार्य करने वालों का सम्मान किस तरह से होता है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, सही मायने में आजकल के युग में जहाँ एक ओर पुलिस के खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, वहीं दूसरी ओर गुड़ागोर्जी के अंदर 3 दिन से लगातार यहाँ के पब्लिक के लोग, यहाँ के आम लोग, गणमान्य लोग जिस तरीके से देवी सिंह जी CI का पलक पावड़े बिछाए सम्मान किया, मैं समझता हूँ कि आज तक के इतिहास में, गुड़ागोर्जी के इतिहास में 70 साल के अंदर पहली बार इस तरीके का अभिनंदन कार्यक्रम रखा है। निश्चित तौर पर देवी सिंह जी ने सराहनीय सेवाएँ दी हैं, लीक से हटके चले हैं और कांटों के रास्तों से फूलों के रास्ते तय किए। सरकार से मैंने 42 साल में हमारे सरकार और जनता की सेवा की है, वैसे आगे भी मेरे साथी लोग इस पुलिस विभाग के मुलाजमान और अधिकारी ऐसी ही सेवा अर्पित करें ताकि जनभावनाएँ हमारे पुलिस में विश्वास करें और हमारे से जुड़ें और जनता के दुख दर्द का निराकरण हो। मेन पुलिस का काम जनता की सेवा करना और जनता के दुख दर्दों का निराकरण करना, उसमें अगर सफलता की कुंजी अर्जित कर ली तो पुलिस विभाग की और जनता की जो छवि है, जो अब आज मेरे सेवानिवृत्ति में आप लोग यहाँ पधारे हैं, जो भी हमारे क्षेत्राधिकार के बड़े बुजुर्ग राजनेता अधिकारी और जो भी साथी यहाँ पधारे हैं, वो मेरे सेवा काल के और मेरे व्यवहार का ही एक प्रतिफल है। तो मैं मेरे और भी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने शालीनता से और जनता से जुड़ के और बड़ी वफादारी और ईमानदारी से जो सेवाएं दी हैं, वैसी सेवाएं आगे ये लोग भी, हमारे विभागीय कर्मचारी अधिकारी भी दें और आगे मैं समाज से और जनता से जुड़ के जब तक मेरे जीवन काल में जो भी होगा अच्छा काम करूंगा और आप सभी से मिल करके और बड़े स्नेह के साथ मेरा बचा हुआ जीवन यापन करूँगा। जनता की सेवा के लिए आप क्या भेंट करना चाहते हैं? जनता की सेवा के लिए तो सर मेरी कार्यशैली है, जो मैंने यहाँ पर रह करके आपके इस थाना क्षेत्र गुड़ा क्षेत्र में जो कर्म किए हैं वही मैं मेरे इस संस्था वालों को प्रदान करना चाहता हूं कि जैसा मैंने काम किया, जनता की सुनी, दुख दर्द का निराकरण किया, उनका साथ दिया, वैसे ये भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भविष्य में आप जनता की सेवानिवृत्ति के बाद में करते रहे? हाँ, जनता की, समाज की, जो भी समाज का पीड़ित दुखी और जो नीचे के तबके का जो मजबूर व्यक्ति है, जो भी आमजन है, उसकी मैं सेवा करूंगा और बराबर सेवा का लाभ उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।